एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बिजनौर के ब्लॉक नूरपुर में स्थित गोपालपुर गांव पड़ा, जहां पर ग्रामीणों ने राम बहादुर शर्मा को ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराए जा रहे हैं। लगभग 3500 की आबादी व 2400 वोटर वाले इस गाँव के ब्लॉक से दूरी 7 किलोमीटर तथा जिला मुख्यालय से दूरी 40 किलोमीटर है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गाँव के प्राइमरी विद्यालय व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 135 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। बात अगर विकास कार्यों की करें तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 33 हैंडपंप लगे हुए हैं तथा 2 और हैंडपंप सरकार से लगवाने की मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 165 विद्युत पोल, 3 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। इसी के साथ गाँव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, कच्चे रास्ते, पानी व पानी निकासी के लिए नव निर्माण भी कराया गया है व पानी निकासी के लिए नाले का भी निर्माण कराया गया है। वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 270 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने एबीपीएस न्यूज के माध्यम से गांव में सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाला, खडंजे, बारात घर, शमशान घाट, पानी की टंकी, खेल का मैदान, पशु चिकित्सालय, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 45 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम प्रधान को से ग्राम पंचायत गोपालपुर और जो भी केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने धन दिया है हमने उसका सदुपयोग किया है और आगे भी करते रहेंगे। केंद्र सरकार द्वारा प्रशासनिक योजनाएं चलाई जा रही हैं वो ग्राम प्रधानों तक नहीं आ पाती हैं, जिसे प्रशासनिक लोग ही रोक देते हैं। और मैं मुख्यमंत्री से अपील करता हूँ कि वे ग्राम प्रधानों का मानदेय 35,000 रुपये करने की कृपा करें और जिससे आगे हम अपना खर्चा चला सकें।